नमस्कार, dare.com में आपका स्वागत है। आज हम बिना फ्रिज के सब्जियों को ताजा कैसे रखना है ये देखने वाले हैं। गांव में इलेक्ट्रिसिटी की हमेशा प्रॉब्लम रहती है और गर्मियों के दिनों में तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप बिना फ्रिज के भी सब्जियों को 8-10 दिनों के लिए भी ताजा रख सकते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। इसके लिए हमें जरूरत होगी ये मिट्टी के घड़े। इसे हम मिनी फ्रिज की तरह यूज करने वाले हैं और हमें अभी लगने वाले हैं ये सब्जियां स्टोर करने के लिए। कुछ इस तरह से हमारे जो पुराने नैपकिन होते हैं तो उसे हम इस तरह से यहाँ से स्टिच करके हम बैग की तरह यूज कर सकते हैं। और हमें कुछ कैरी बैग्स रखने वाले हैं, ये स्प्रे बॉटल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी काम कर सकते हैं। सब्जियों को स्टोर करने से पहले हमें सब्जियों को अच्छी तरह से धो के उसको साफ सफाई करके रखना है। सब्जियों को किस तरह से हमें धोना है और उसकी साफ सफाई करनी है इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। फ्रिज में हम ज्यादा दिनों के लिए सब्जियों को ताजा किस तरह से रख सकते हैं इसकी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। मैंने ये सारी सब्जियां पहले ही धोकर साफ सफाई करके रख दी है। अब हम इस सब्जियों को किस तरह से स्टोर करना है देखने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हमें इन बैग्स को पानी में भिगो के हमें रखना होगा। पहले इनको हम पानी में भिगोएंगे और फिर इसको अच्छी तरह से निचोड़ के हमें ड्राई कर लेना है। मैंने ये बैग्स भिगो के निचोड़ के रख दिए हैं। इस तरह से आपको बैग्स को गीला कर लेना है, ज्यादा हमें इसमें पानी नहीं रखना है, बस इसको हमें भिगो के लेना है। अब हम इसमें सब्जियां स्टोर करते हैं। हम फल वाली सब्जियों को इस मेथड से 8 या 10 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे बैंगन, कद्दू, गोभी, पालक, मेथी। ऐसी पत्ते वाली सब्जियों को हम ज्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं कर सकते, वो 2 या 3 दिनों के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, फिर उसका ताजापन कम हो जाता है। तो आप पत्तों वाली सब्जियों को ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करके ना रखें। पत्तों वाली सब्जियां ताजा ही यूज करने की कोशिश करें। अब इन बैग्स को इन कैरी बैग्स में हम डाल देते हैं ताकि ज्यादा देर तक इनमें नमी बनी रहे। और जब भी आप सब्जियां इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं, अगर ये बैग्स ड्राई हो जाती हैं तो आप इस स्प्रे बॉटल से आप इस पे बस स्प्रे करके रखिए, ताकि इससे ज्यादा ये बैग्स भी गीली नहीं हो जाएंगे और इसमें नमी भी बनी रहेगी। अगर मार्केट नजदीक है तो ज्यादा सब्जियां स्टोर करके ना रखें, ताजा ही सब्जियां यूज करने की कोशिश करें। अब हम इन बैग्स को इस घड़े में डाल देते हैं। पत्तों वाली सब्जियों को खुली हवा में ड्राई करने के बाद ही स्टोर करें। अगर आप टमाटर आधे पक्के आधे कच्चे लेकर आएंगे तो आपको टमाटर स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे टमाटर आप 8-10 दिनों के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टमाटर को सीधे बैग में डालकर बाद में आप घड़े में नहीं डाल सकेंगे, तो इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको इस बैग में ये बैग को आपको डाल के रखना होगा, बाद में ये बैग आपको घड़े में डाल के फिर उसमें आपको टमाटर डालने होंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर है तो आप सॉस, केचप बनाकर भी उसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इस घड़े को कवर करने वाले हैं किसी भी टर्किश टॉवेल से, या कोई भी आपके पास अगर कॉटन का कपड़ा है या गोनी भी है तो आप उससे इस घड़े को कवर कर लीजिए। उसे आप पहले पानी में भिगो दीजिए और फिर बाद में आप इसको कवर कर लीजिए, इससे इसमें ठंडक बनी रहेगी। आपको इस कपड़े को हमेशा गीला रखना है, इस पे आपको पानी छिड़कते रहना है। आप हाथों से भी पानी इस पे छिड़क सकते हैं। इस कपड़े को आपको बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। जब तक आप ये कपड़ा गीला रहेगा तब तक ये घड़ा भी ठंडा रहेगा और इससे सब्जियां भी अंदर हमारी ताज़ा रहने वाली है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, ये हमारा मिनी फ्रिज है तो आप इसको ठंडा रखने के लिए आप इसको हमेशा पानी स्प्रे करते रहिए। तो
देखा आपने बिना फ्रिज के भी हम सब्जियों को किस तरह से ताज़ा रख सकते हैं। आप इस तरह से 8-10 दिनों के लिए आराम से अपने सब्जियों को ताज़ा रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही वीडियो लेकर। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए।